देखो भाई, दमन थन के बारे में तो आप लोग को पता ही होगा कि आए दिन दमन थन को लेकर कहीं तरह की न्यूज आ रही है। इसमें हाल ही में 2-3 दिन पहले ओडिशा के सीएम दमन थन को ओडिशा के अंदर टैक्स फ्री कर दिया। उसके बाद कल दमन थन के मेकर्स ने इसके कुछ हिंदी रिलीज के बारे में भी अपडेट दिया। इसके अलावा कल ही ओडिशा के मुख्य सचिव दमन की टीम को लोकसभा भवन में बुलाकर सम्मानित किया और हिंदी रिलीज के बारे में भी उन्होंने कुछ बोला। तो क्या क्या बोला उन्होंने दमन थन के बारे में, उसकी रिलीज के बारे में, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं ओडिशा के मुख्य सचिव की, उन्होंने इस फिल्म के बारे में क्या बोला। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बोले कि इसे हिंदी में डबिंग किया जा रहा है और जब ये हिंदी में रिलीज होगी तो भारत के विभिन्न राज्यों में ये लोकप्रियता हासिल करेगी और लोग इसे काफी ज्यादा पसंद करेंगे। इसके अलावा मुख्य सचिव सुरेश चंद्र महापात्र ने दमन फिल्म के बारे में बोला, दमन फिल्म को आने वाले दिनों में सभी जिलों में दिखाया जाएगा। हालांकि फिलहाल अभी इसकी डबिंग पर काम चालू है, लेकिन जैसे ये हिंदी में डब होगी तुरंत इसे हिंदी के सभी राज्यों में रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म को बनाने का मकसद ये की डॉक्टर छोटे मोटे गाँव में काम करते हैं उनको इस फिल्म से काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और वो भी इसी तरह से अच्छे काम करने की कोशिश करेंगे। यही सब कल के लोकसभा भवन में मुख्य लोगों ने दमन फिल्म के बारे में बोला है। इसके अलावा आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि 3-4 दिन पहले ओडिशा के सीएम ने इस फिल्म को ओडिशा के अंदर टैक्स फ्री कर दिया और ये फिल्म के मेकर्स के लिए काफी अच्छी न्यूज है। अभी हम बात करें इसके हिंदी के अपडेट के बारे में। तो देखो कल दमन के मेकर्स का एक इंटरव्यू लिया गया था, जिसमें थे दमन के डायरेक्टर विशाल मौर्य और देवी प्रसाद लिंग का। अब वो इंटरव्यू लिया गया जिसमें इन लोगों से ज्यादातर सवाल इनकी फिल्म के बारे में ही पूछे गए। फिल्म आप लोगों ने कैसे बनाई, कितने दिन लगे इसे बनाने में और इसे बनाते समय क्या क्या प्रॉब्लम आई, जिसमें दमन के डायरेक्टर्स ने वो सारी बातें बताई कि हमें इस फिल्म को बनाने में क्या क्या प्रॉब्लम आई। अब उनमें से मेन मेन बात है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। दमन फिल्म बनाते समय पहले तो इनके साथ ये प्रॉब्लम आई, जहां पर ये लोग शूटिंग कर रहे थे वहां पर क्या है ना, मौसम काफी ठंडा है, उस हिसाब से वहां पर बारिश काफी ज्यादा होती है और बारिश की वजह से इन लोगों के 4-5 दिन वेस्ट हो गए। बाकी मैं आपको बताऊं तो इन लोगों ने जो ये फिल्म बनाई है इसकी शूटिंग मात्र इन लोगों ने 20 दिन में ही कंप्लीट की। इसका रीजन है बजट इन लोगों का बहुत कम था। आप लोगों को बताओगे दमन का बजट 95 लाख ही है, तो कम बजट होने की वजह से इन लोगों को कम से कम दिनों में इनकी शूटिंग कंप्लीट करनी थी। अगर ये लोग फिल्म का बजट ज्यादा रखते तो बजट भी बढ़ जाता, उस हिसाब से इन लोगों ने कम से कम दिनों में इसकी शूटिंग कंप्लीट की। बात करते हैं कि हिंदी के रिलीज के बारे में दमन के डायरेक्टर ने क्या बोला। तो देखो जब इनसे हिंदी के रिलीज के बारे में पूछा गया, उन्होंने बोला कि भाई इतना जल्दी मैं कुछ नहीं बता सकता, बिकॉज अभी तो डबिंग का काम भी चालू है। तो जब हम लोग इसे हिंदी में रिलीज करेंगे तो खुद बताएंगे, ट्रेलर टीजर सबकी रिलीज डेट बताएंगे।